बड़ी पुरानी कहावत है, अतड़ी का गोश्त गोश्त नहीं और खुशामती दोस्त दोस्त नहीं। फ्रांस, जर्मनी और भारत, तीन देश, तीनों देश टूट पड़े हैं अमेरिका के ऊपर। फ्रांस और जर्मनी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अब हम तुम्हारे साथ वैसा ही करेंगे जैसा तुमने मेरे साथ किया है, अमेरिका की नींद उड़ा दी। लेकिन इन सब के बीच में भारत माला माल हो गया है, भारत के रास्ते चल पड़ा है यूरोप। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। कहते हैं ना, होशियार की होशियारी तभी तक चलती है जब तक सामने वाला बेवकूफ बना रहता है और उसके इशारे पर नाचता रहता है। अमेरिका यूरोप के साथ यही कर रहा था। यूरोप धीरे धीरे तबाही के कगार पर पहुंच गया। वैसे आपको बता दे, आप देखेंगे इस वक्त जर्मनी बहुत ज्यादा खफा हो गया है अमेरिका, और जर्मनी के साथ साथ फ्रांस भी। यूरोप में अगर कट्टर दुश्मन की बात करें ना, तो फ्रांस और जर्मनी के बीच बहुत मतभेद है। बिल्कुल सही सुना आपने, ये दोनों देश कई मुद्दों पर एक दूसरे के साथ उलझ जाते हैं, और ये माना जाता है कि कभी भी ये देश एक साथ नहीं आ सकते हैं। लेकिन इतिहास में ये पहली बार है जब दोनों ही देश एक साथ आ गए हैं, और दोनों ही देशों ने अमेरिका को ये कहा है कि तुम्हारे साथ हम वैसा ही करेंगे जैसा तुम हमारे साथ कर रहे हो। अब इसके पीछे वजह क्या है, अमेरिका ऐसा क्या कर रहा है? तो अमेरिका दरअसल डबल गेम खेल रहा है हर किसी के साथ। अमेरिका के नजर में यूरोप सिर्फ एक इस्तेमाल करने वाली चीज है, और ये चीजें अब यूरोप को दिख रही है। यहाँ तक कि आप सोचिए, मैक्रोन ने गुस्से में ये कह दिया अमेरिका को कि तुम और चीन एक जैसे हो, तुम भी चीन की ही तरह हो। ऐसे समय में ये सारी बातें अमेरिका को सुननी पड़ रही है। इतनी बौखलाहट कि मैक्रोन ने ये भी कह दिया कि यूरोप क्या सिर्फ धर्मशाला है, और पहली बार इतिहास में ये दोनों दुश्मन एक दूसरे के साथ मिलकर अमेरिका के ऊपर जबरदस्त हमला कर रहे हैं। जर्मन चांसलर ने फोन किया मैक्रोन को, और दोनों के बीच कितने घंटे की बात हुई है आप सोचेंगे तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे। इसलिए आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि ये इतने बड़े बड़े लोग हैं कि इनका आधा घंटा 10 मिनट ही बहुत कीमती होता है, लेकिन इन दोनों के बीच में 3.5 घंटे की बातचीत हुई है। 3.5 घंटा एक बहुत बड़ा नंबर है। इतनी देर तक दोनों में बातचीत हुई, और इस बातचीत के बाद ये अमेरिका के ऊपर टूट पड़े। दरअसल ये सब कुछ खेल शुरू कहाँ से हुआ, कहाँ से इन्हें पता चला कि ये सब कुछ अमेरिका प्लान कर रहा है और अमेरिका की वजह से हम तबाह हो रहे हैं। एक पहली बात तो ये थी जो शुरू से बात हो रही थी कि गैस अपने लेवल पर जब अमेरिका अपने देश में बेच रहा है तो सस्ता बेच रहा है, और वही जब यूरोपीय देशों को दे रहा है महंगा दे रहा है। लेकिन ये खबर पुरानी हो गई है। अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड आप सुनेंगे ना तो एकदम से आपको लगेगा कि ये क्या बवाल है, अमेरिका तो किसी का सगा नहीं है। दरअसल अमेरिका ने क्या किया है, यूरोप के अंदर कंपनियों को कहना शुरू कर दिया है कि भैया वापस अमेरिका में आ जाओ, वहाँ पर अब कुछ बचा नहीं है। यूरोप में अब बहुत सारा टेंशन है, बहुत सारा प्रॉब्लम है, ये सबसे ज्यादा समस्या खड़ी कर रहा है। अमेरिका ने ये कहा, ठीक है हम आपको टैक्स कट देंगे, हम आपको बहुत सारे बेनिफिट देंगे, सब्सिडी देंगे, आप हमारे यहाँ आ जाओ। जर्मनी को झटका तब लगा जब जर्मनी की नंबर वन, और जर्मनी क्या पूरे यूरोप की नंबर वन कंपनी भी इस झांसे में आ गई, और उसने कहा कि आपके यहाँ बहुत दिक्कत है, पिछले 9 महीने से हम परेशान हो रहे हैं, इसलिए हम यहाँ से जाएंगे। और ये केमिकल जायंट BASF ने अनाउंस कर दिया। अब अनाउंस करने का मतलब है यूरोप को समझ में आ गया, अरे ये तो हमारे साथ डबल गेम हो गया है, अब यहाँ पर हम तो बर्बाद हो रहे हैं। अमेरिका ये कह रहा है कि हम आपको दे रहे हैं बेनिफिट्स, कंपनी सारी जो है अमेरिका में आ जाओ, यूरोपीय कंपनी को भी लालच दे रहा है, ऊपर से यूरोप में गैस सस्ते नहीं दे रहा है, और ऊपर से हमें झोंक रखा है इस युद्ध में, मतलब फायदा सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को हो रहा है। मैक्रोन तो इतने गुस्से में आ गए कि मैक्रोन ने आखिर कह दिया अपने देश में सिर्फ यूरोपियन खरीदो, किसी और का मत खरीदो, बायकॉट जैसा कर दिया है अमेरिकी प्रोडक्ट्स का। इन्होंने ये कह दिया है, अच्छा अमेरिका अपने देश में एक कानून बनाता है
कि अपने देश की कंपनियों को बढ़ावा मिले, और चाइना अपने देश में कंपनी बनाता है और कहता है कि अपने चीजों को बढ़ावा मिले। यूरोप क्या धर्मशाला है, हम क्या ओपन रहेंगे, खुला रहेंगे, कोई भी आए यहाँ पे और अपना प्रोडक्ट बेच कर चला जाए, इसलिए अब हम भी ये नियम बनाएंगे। वैसे आपको बता, ये जो सारी चीजें हो रही है, ये सारी चीजें आप अभी जैसे देख रहे हैं ना, फ्रांस कह रहा है कि यूरोपियन खरीदो, जर्मनी कह रहा है यूरोपियन खरीदो, मतलब अपने देश में बनाओ, अपने देश में ही करो। ये सिद्धांत अभी आपने देखा होगा पिछले 1-1.5 साल से भारत में भी चल रहा है। भारत का रास्ता अब यूरोप अपनाने के लिए मजबूर हो गए हैं। अब उन्हें भी लग रहा है कि भारत जिस नीति पे चल रहा है वही नीति सबसे सफल है। और अमेरिका के लिए सबसे बड़ी टेंशन क्या हो गई है, अमेरिका के लिए टेंशन ये हो गई है कि अब तक जिन लोगों को वो मूर्ख बनाता था और मूर्ख बनाकर अपना काम चलाता था, वो चीजें अब उसके लिए सबसे बड़ी समस्या हो गई है। अब इन सब में एक नई थ्योरी निकली है, और ये नई थ्योरी क्या है, यूरोपीय यूनियन प्लस वन। यूरोपीय यूनियन प्लस वन में अब भारत को हो रहा है जबरदस्त फायदा। यूरोप में तेल और गैस के तो दाम बढ़े हुए हैं। यूरोप के ज्यादातर देश ये मानते हैं कि चाइना एक सही जगह नहीं है, चाइना में अगर इनकी कंपनियां गई तो भविष्य में इन्हें बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ेगी। एक बार कंपनी ने वहां पूरा सेटअप कर लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, पैसे खर्च कर लिए, जड़ें बना ली, और यूरोप और चाइना में अगर टेंशन शुरू हो जाती है तो फिर वो कंपनियां सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएंगी, क्योंकि एक सप्लाई चेन बन जाएगा, एक ग्लोबल चेन बन जाएगा। अभी हाल ही में जर्मनी ने अमेरिका के नहीं कहने के बावजूद एक बहुत बड़ा फैसला लिया। हालांकि जर्मनी का ये फैसला उसके अपने ही पैरों पर बहुत बड़ी कुल्हाड़ी है। दरअसल जर्मनी में एक पोर्ट है, उस पोर्ट में कंटेनर का काम जो कॉन्ट्रैक्ट है उसने चाइना को दे दिया। अभी ओलाफ स्कोल्च जा रहे हैं चाइना, वहाँ पर ये प्लान करेंगे कि कैसे हम दोनों अपना ट्रेड को बरकरार रखेंगे। ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका है कि जर्मनी उन्हें इग्नोर कर चाइना पहुँच रहा है। चाइना को जो इस पोर्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर भी अमेरिका ने चेताया था कि कल की डेट में तुम भी फंस जाओगे। ये स्ट्रेटजी है चाइना की फंसाने की। पर अभी तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दिया जा चुका है, साफ दिख रहा है कि दोनों में मतभेद है। जर्मनी को छोड़ बाकी यूरोपियन देश हैं जो अभी भी यकीन करते हैं कि चाइना बाद में मुसीबत बन सकती है। ऐसे में इन्होंने क्या किया, भारत की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है, और ये भारत के लिए सबसे बड़ा फायदा हो रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, यूरोप प्लस वन, यानी कि यूरोप में कंपनियां शिफ्ट होती हैं, ठीक है, नहीं होता है तो फिर हम शिफ्ट कर जाएंगे भारत में। भारत में लेबर कॉस्ट भी कम है, एनर्जी कॉस्ट भी कम है, और इससे हमें फायदा मिलेगा। क्या आप भी मानते हैं कि भारत की विदेश नीति सचमुच बहुत अच्छी है, तभी अब यूरोपीय देश भी इसे अपना रहे हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।